So the next topic is breeding of animals. On the base of time of breeding, animals are of two types. हमारे पास सबसे पहले यहाँ सीजनल ब्रीडर्स आ जाते हैं. ब्रीडिंग का मतलब है कि वो जब मेटिंग कब करते हैं, मेटिंग को ब्रीडिंग बोलते हैं. तो सीजनल ब्रीडर्स का मतलब ये होता है, जैसे दे रिप्रोड्यूसेस एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, सच एज फ्रॉग, लिजर्ड एंड मोस्ट बर्ड. जो एक पर्टिकुलर पीरियड्स पे, एक पर्टिकुलर सीजन पे ब्रीड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स. कंटिन्यूस ब्रीडर्स, जैसे वर्ड देखिए आपने ना, इसमें वर्ड को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी बायोलॉजी में. तो आपने अभी से क्या करना है, आपने अभी से एक कॉपी लगानी है, इसमें आप जितने भी आपके टर्म्स आ रही हैं वो सारी आपने अभी से लिखनी शुरू कर देनी है इसमें. जैसे कंटिन्यूस देखिए, कंटिन्यूस का मतलब आपको पता लग रहा है, कंटिन्यू कर रही है, बार बार हो रही है. तो इसका मतलब ब्रीडिंग क्या हो रही है, बार बार हो रही है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडिंग. दीज एनिमल्स कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट द देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी. एग्जाम्पल हनी बी है, ठीक है, रैबिट है, कैटल है. तो बेसिकली आपने ये ध्यान देना है बेसिकली इस पे, जो ऑर्गेनिज्म एक बार ब्रीड करता है पर्टिकुलर सीजन में, इसको क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स. और जो बार बार ब्रीड करे, कंटिन्यूस ब्रीड करे, इसको क्या बोलेंगे आप, कंटिन्यूस ब्रीडर्स. बेसिकली अब चेंजेस क्या आते हैं रिप्रोडक्शन में, दो तरह के साइकिल्स आते हैं. एक आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक आता है ऑस्टर साइकिल. ऑस्टर साइकिल कहां पाया जाता है, नॉन प्राइमेट्स में, जैसे काउ वगैरह में, शीप में, डॉग में, इसको बोलते हैं ऑस्टर साइकिल. मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहां पाया जाता है, प्राइमेट्स में, जैसे कि मंकी, एप्स में और ह्यूमंस में. तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ गया आपके सामने, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स. ये जो टॉपिक है आपका सेकंड चैप्टर तक चलेगा. ये सेकंड चैप्टर जो आपका इस बायोलॉजी में है वो इसी तीन पैरामीटर पे आधारित है हमारा. बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन थ्री पैरामीटर इन डिटेल इन सेकंड चैप्टर. तो जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर, बोथ दे आर बेसिकली इंटरलिंक्ड चैप्टर्स. तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. मतलब क्या है इनका, प्री फर्टिलाइजेशन का मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं. मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिजम्स हैं, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल, ठीक है. तो मेल और फीमेल है, सबसे पहले वो क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे. तो गैमीट्स बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. तो उसके बाद वो गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूजन तक हम उसको क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन. एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको. मान लीजिए आपके पास, आपने 10th क्लास में बेसिकली रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपने सबने रीड किया हुआ है. तो मान लीजिए प्लांट के केस में जो आपका पोलन ग्रेन है वो पेरेंट्स, वो आपका मेल प्लांट से आएगा, और जो फीमेल प्लांट में आपका ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है, पोलन ग्रेन आपका मेल गमीट है और जो ओव्यूल आपका फीमेल गैमेट है, उनकी फॉर्मेशन, ठीक है. उसके बाद पोलन ग्रेन हवा के माध्यम से या इंसेक्ट की हेल्प से प्लांट मेल पार्ट से कहां चला जाएगा, फीमेल की स्टिग्मा पे, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन. तो ये दो स्टेप्स, फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल. उसके बाद उनकी ट्रांसफर, ये सब किस में आ जाती है, प्री फर्टिलाइजेशन. अब जब वो ट्रांसफर हो गया तो वो पोलन ग्रेन वो ओव्यूल के साथ फ्यूज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है हमारे पास, जाइगोट बनता है. क्या बनता है, जाइगोट. फिर जाइगोट फर्दर क्या करता है, डिवाइड करता है, किसमें कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में. एम्ब्रियो आगे चलकर किसमें कन्वर्ट होता है, सीड में. तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो ये तीन टॉपिक्स पे आपने बहुत ध्यान से देखना है. प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आपके सामने कि गैमेटोजेनेसिस,
एंड पॉलिनेशन। फिर से ध्यान दीजिए, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? गैमेटोजेनेसिस एंड पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब, इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है इट्स फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। अब देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स आते हैं? गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल स्टिग्मा। नेक्स्ट, अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब तो बेसिकली गैमेट्स होमोगैमेट्स होंगे, हेटरो। देखो होमो का मतलब क्या है? सेम। मान लीजिए मेल के और फीमेल के अगर गैमेट्स आपको उसकी जो देखने में आपको सेम दिखाई दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे आप? होमोगैमेट्स। बेसिकली इसको जब आप रीड करेंगे बुक्स में तो लिखेंगे आप टू गैमेट्स सिमिलर इन अपीयरेंस कैन नॉट बी कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल। उसको जो गैमेट्स आपको देखने में सेम दिखाई दे रहे हैं आपने सिंपल से क्या बोलना है? उसको आइसोगैमेट और होमोगैमेट। जो गैमेट्स आपके सामने हैं आप उसको देख के बता पा रही है मेल है या फीमेल है उसको क्या बोलेंगे आप? हेटरोगैमेट्स। इसका मतलब है जो गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली आप लोग जो आप मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है आउटर व्यू, उसका आउटर स्ट्रक्चर्स, उसकी जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स से आप बता सकते हैं कि ये मेल है या ये फीमेल है, जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? हेटरोगैमेट। अब जो मेल गैमेट है जैसे प्लांट के केस में बात करें या ह्यूमन के केस में बात करें, ह्यूमन के केस में मेल गैमेट क्या है बेटा? स्पर्म। फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? एग। नेक्स्ट, उसके बाद सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पे बात करते हैं। इसमें कुछ हमारे पास टर्म्स आती हैं जैसे होमोथैलिक मोनोशियस। तो होमोथैलिक का मतलब है, मोनोशियस का मतलब है, ये वो टर्म है जो हम यूज करते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ द प्लांट। अगर आपके एक प्लांट के जो फ्लावर है उसके ऊपर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है तो उस केस के लिए आपने वर्ड यूज करना है होमोथैलिक और मोनोशियस। अगर आपके प्लांट के पार्ट्स फ्लावर में या तो मेल है या फिर फीमेल है, मेल का मतलब है स्टेमन है या फिर पिस्टल है, दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, दोनों क्या है? अलग अलग हैं, बी बेसिकली डिफरेंट है, तो उसको बोलेंगे आप हेट्रोथैलिक। हेट्रो का मतलब डिफरेंट। देखिए आप ये वर्ड यूज करिए, थैलस का मतलब है होमो, एक एक थैलस पे दो पार्ट्स, समझ के बाद कंडीशन क्या आ गई? बाइसेक्सुअल। हेट्रोथैलिस मतलब कि डिफरेंट थैलस है, मेल अलग है और फीमेल अलग फ्लावर पे है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे आप? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। स्टेमिनेट, अगर आपके फ्लावर में जो यूनिसेक्सुअल है उसमें जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्टेमन है तो क्या बोलेंगे आप? स्टेमिनेट। अगर आपका जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें सिर्फ क्या है? पिस्टिल है। क्या है? पिस्टिल है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट। क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट। अब उसके बाद मोनोशियस। अब ये जो मोनोशियस है दे बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ओके फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, ये सेम इंडिविजुअल में भी हो सकते हैं। और जो डायोशियस होगा ये कहां प्रेजेंट होगा? सेपरेट इंडिविजुअल पे ही ये प्रेजेंट होगा, यूनिसेक्सुअल अलग अलग प्लांट पे ही प्रेजेंट होंगे। ये सारे पॉइंट्स क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सब एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट ओके, द नेक्स्ट इज गैमेट ट्रांसफर। अब देखिए गैमेट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली ए ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल गैमेट। बेसिकली जो मेल गैमेट हमारा मोटाइल होता है, अगर आप प्लांट के केस की बात करें हमारा जो पोलन ग्रेन है वो मोटाइल है, मूव कर सकता है, वो आपका मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जाएगा, बट उसको मूवमेंट के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। एयर भी यूज कर सकते हैं, वाटर भी यूज कर सकते हैं, इंसेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेट ट्रांसफर बोलते हैं। और इसको टेक्निकली हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट विद द हेल्प ऑफ मीडियम सच एज एयर वाटर इंसेक्ट बर्ड्स एक्सेट्रा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स From the anther to stigma is called pollination. देखिए बेटा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है?
आप खुद बताएंगे मुझे इसका सेल्फ का मतलब है। देखिए आपके पास एक फ्लावर है, उसी में मेल पार्ट है, उसी में फीमेल पार्ट है, तो पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है दोनों फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं, एक मेल है और फीमेल बहुत दूर है, तो ये जो मेल का जो पोलन ग्रेन है फिर वो दूर जाके फीमेल के स्टिग्मा में जाके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो ये क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंट फ्लावर पे बेसिकली अगर ट्रांसफर हो तो क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। सेम फ्लावर पे हो तो क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले हम चले थे पॉलिनेशन पे, पॉलिनेशन के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ पोलन ट्यूब, जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आगे गिरेगा सबसे पहले पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है। पोलन ट्यूब के माध्यम से ही वो जो आपके मेल गमीट्स होते हैं, जो जनरेटिव सेल्स होते हैं, दैट ट्रांसफर इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल में जाके वो ओव्यूल के जो एग न्यूक्लियस हैं और पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ फ्यूज करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ये एक आपका एक बेसिकली एक फ्लो चार्ट है कि कैसे कैसे हमारी फर्टिलाइजेशन हो रही है। पहले ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर होने के बाद वो पोलन ग्रेन कहां गिरे, स्टिग्मा पे, स्टिग्मा के बाद वो क्या किया उसने, फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। मैंने आप इसके वीडियो से स्टार्ट होने से पहले आपको बताया कि जो आपके गमीट्स है वो हैप्लॉइड होते हैं, जब दो हैप्लॉइड मिलके मिलते हैं तो क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। अब इसमें एक टर्म आती है पार्थिनोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है इसमें। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है सम फीमेल गमीट्स अंडरगो द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे कुछ हमारे फीमेल गमीट्स ऐसे हैं जिनको मेल गमीट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, वो अपने आप ही विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल गमीट दे इटसेल्फ कन्वर्ट्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जैसे फीमेल गमीट है, फर्टिलाइजेशन के बगैर, मेल गमीट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर, वो खुद ही रिपीटेड डिवीजन के बाद एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते, इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल इसमें हनी बीज की आ जाती है और कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की, इंसेक्ट्स वगैरह की इसमें एग्जाम्पल आपके पास आ जाएंगी और प्लांटेशन की भी आ जाएंगी। नेक्स्ट, तो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब पता लग चुका अभी आपके पास कि मेल और फीमेल गमीट की आपस में फ्यूजन, जिससे क्या बनेगा, साइकोट, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब आपने ध्यान देना है, अगर तो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको बोल देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है तो क्या बोलेंगे आप, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिंपल सा फर्टिलाइजेशन का सिंपल हम टेक्निकल वर्ड आपने यूज करना है, आप सिंगैमी आपने बोलना है, सिंगैमी इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या बोलेंगे आप, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल क्या, फंगस है, मैन के केस में है, सिंगैमी आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फिशेस में और एम्फीबियंस में। नेक्स्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मैंने बताया फर्टिलाइजेशन हो गई, अब जाइगोट की क्या होनी है, रिपीटेड डिवीजन होनी है, डिवीजन के बाद वो किस में डेवलप होगा, सीड में, या उसका जो ओवरी का पार्ट है वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इवेंट्स ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब कि जाइगोट के बाद जितने भी इवेंट्स आएंगे रिप्रोडक्टिव उसमें, उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फंगस एल्गी, जाइगोट डेवलप अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज, इट अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर द जर्मिनेशन। तो कुछ जैसे ऑर्गेनिजम्स में, जैसे फंगस की बात कर रहे हैं, वो जो जाइगोट होता है उसके आसपास थिक वॉल आ जाती है, थिक वॉल से वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, जब टाइम कंडीशन आपकी फेवरेबल आती है देन इट डेवलप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। देखिए आपके सामने एक फ्लोचार्ट आ चुका है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए आपने वर्ड यूज करना, देखिए जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन को बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए जाइगोट बन गया, जाइगोट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट के बाद मैंने बताया था सेल डिवीजन होनी है,
जिसको माइटोसिस के माध्यम से करेंगे। माइटोसिस से क्या होता है, आपका जो जो आपका क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है, यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर ये भी डिप्लॉइड है, आगे चल के भी क्या होना है, डिप्लॉइड होना है, तो यहाँ पे क्या होगी, माइटोसिस होनी है। माइटोसिस का मतलब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा है, बट आपका क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो जाइगोट के बाद, सेल डिवीजन के बाद क्या होनी है, सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास 50 सेल बन चुके हैं। अब 50 सेल में से कुछ सेल का फंक्शन अलग होगा, कुछ सेल का फंक्शन अलग होगा, कुछ सेल का फंक्शन अलग होगा। जैसे हमारे पास बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत टिश्यूज हैं, बहुत ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेशलाइज फंक्शन है। हार्ट का अलग फंक्शन है, किडनी का अलग फंक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब है जब सेल बहुत सारे बन जाएंगे, सभी सेल्स में क्या होनी, डिफरेंशिएशन हो जानी, सबका एक अलग अलग फंक्शन आ जाएंगे। उसके बाद वो जो सेल्स हैं वो अलग अलग क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, फिर टिश्यू अलग अलग टिश्यूज क्या बनाएंगे, ऑर्गन, फिर ऑर्गन क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म। दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन वर्क्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है कि एनिमल्स बेसिकली, हमें देखना है कि एनिमल्स बर्थ किसको देता है, यंग वन को देता है या फिर क्या देता है, एग ले करता है। देखिए एनिमल्स दो तरह के पाए जाते हैं, ओवीपैरस और विवीपैरस। विवीपैरस का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म बर्थ देते हैं यंग वंस, उसको बोलते हैं विवीपैरस। जैसे मैमल्स का केस आ जाएगा। ओवीपैरस का मतलब है जो क्या ले करते हैं, अनफर्टिलाइज एग। अनफर्टिलाइज का मतलब क्या है, अनफर्टिलाइज का मतलब है कि एग दे नीड सम टाइम, दे नीड सम मोर टाइम टू मैच्योर। तो वो जो अनफर्टिलाइज एग है वो जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ ऑर्गेनिज्म। तो ओवीपैरस में फर्टिलाइज एग्स आर कवर्ड बाय हार्ड बिट। इसमें जो ओवीपैरस में जो एग होता है, देखिए अब बेसिकली इसको एग कहाँ ले करना है, आउटर कंडीशन में। एग के बाहर किसकी लेयर, किसकी लेयर होती है, हार्ड बेसिकली कैल्शियम शेल की लेयरिंग होती है, जिससे कि वो बाहर के एनवायरमेंट से क्या होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है इंक्यूबेशन के दौरान। वीपरस में क्या होता है, प्रॉपर एम्ब्रियो केयर होती है, क्योंकि जो आपका जो एम्ब्रियो है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, वहां पे बेसिकली इट गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल बाय द प्लेसेंटा and then the complete organism develop and it lead to the complete development or jo bhi nutrition I get from the that from the organism of the female body. So with this we come to end for the today lecture. So I will give you the small conclusion for this lecture today. Aaj aapne sikha ki reproduction ka matlab kya hota hai. रिप्रोडक्शन में दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल को नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं जो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट आपको एक एक का कंटेंट अपना एनिमेशन के साथ बताऊंगा। और आज के लेक्चर में आपने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, फर्टिलाइजेशन इवेंट में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो भी टर्म